हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोजी क्रिएटिविटी। आज मैं बनाने जा रही हूँ 2.5 मीटर फैब्रिक से आलिया कट कुर्ती। तो कहीं पे वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज हमने इजी तरीके से इसकी लाइनिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल बताया है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने 14 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमने इसको कटिंग कर लिया है टॉप पार्ट के लिए। अब इससे हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं, प्लस आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे। और यहाँ से जो हमारा बस्ट है वो 9 ले रहे हैं, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बस्ट और वेस्ट हम 9 9 इंच पर ले रहे हैं, प्लस हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और जो हमारा फ्रंट नेक है उसकी विड्थ हमने 2.5 इंच रखे हैं और इसकी डीपनेस 6 इंच है। उसके बाद हमने सेंटर में एक नोचेस लगा लेना है और बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे, बिकॉज़ बैक पार्ट का जो नेक है वो हम थोड़ा कम रखेंगे। अब यहाँ से हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ क्रॉस में हम लाइन करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसी तरह से हमने बैक पार्ट की विड्थ वाइज 3 इंच रखेंगे और इसकी डीपनेस हम 2.5 इंच ले रहे हैं। और इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर लेना है। और ये बैक और फ्रंट पार्ट हमारा टॉप पार्ट जो है कट गया है। इसके बाद जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उससे हम प्लेटें लगाएंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी लेंथ हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और बैक पार्ट का थोड़ा कम रखेंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, बैक और फ्रंट को। इस तरह से हमने 2 पार्ट निकाल लिया है। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम थोड़ा नीचे से कट करेंगे। देखिए, इस तरह से 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इसको थोड़ा सा हम इसकी लेंथ हम थोड़ा कम लेंगे और जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेना है। और ये हमारा बैक पार्ट है, इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेटें लगानी है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह से क्रॉसेस में इसकी भी हमने कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा आलिया कट परफेक्ट आएगा। और हमने यहाँ पर लेस भी स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हम प्लेटें लगाएंगे सब इक्वल साइज में।
तरह से हमने प्लेटें लगाने के बाद स्लीव को अटैच कर लेना है, और ये हमने स्लीव भी अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने दोनों साइड में हमने इनर साइड में सिलाई लगाना है इस तरह से, और ये हमारा स्लीव है वहाँ पर भी हमने ये लेस को स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हमारा आज का वीडियो बनके रेडी है आलिया कट। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लगे, तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।